नमस्ते गौर लगेची वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू नी हियर माय नेम इज प्रतिभा वेलकम टू माय चैनल सो गाइस इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल How to make onion hair oil at home in super easy way. And guys, this oil is very beneficial for hair regrowth. So, let's get started this video. But before I start this video, please guys do one thing. Subscribe to my channel and hit the bell icon also. So you will get all the notification when I will upload the video. And you guys also follow me on Instagram for more updates. So, without wasting any more time, let's begin this video. So, let's go. So guys, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. इसमें मैं आपको अनियन ऑयल कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ. सो अनियन ऑयल इज प्रूवन रेमेडी टू बूस्ट हेयर रिग्रोथ एंड प्रिवेंट हेयर फॉल. दिस इज अ वाइडली यूज आयुर्वेदिक सॉल्यूशन टू इंश्योर हेल्दी एंड थिक हेयर. अनियन ऑयल इज रिच इन सल्फर विच प्रिवेंट्स ब्रेकेज स्प्लिट एंड्स एंड थिनिंग ऑफ हेयर. अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अनियन प्रिवेंट्स ऑक्सीडाइजेशन ऑफ हेयर. इट ऑल्सो मेंटेन्स द रेगुलर पीएच ऑफ द हेयर प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर ग्रेन. सो गाइस यहाँ पे मैं अनियन ऑयल बनाने के लिए एक अनियन ले रही हूँ और उसे मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है. बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से चॉप करना है. और इसे मैं कोकोनट ऑयल के साथ बना रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसे हीट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है. तो अब ये हीट हो चुका है. तो अब मैं इसमें हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल. आप इतने ऑयल में एक मीडियम साइज़ का अनियन इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं इसमें कटे हुए अनियन को डाल रही हूँ. आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ. और गाइस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. सो गाइस व्हेन यूज रेगुलरली अनियन ऑयल विल नॉट ओनली नरिश द हेयर इट विल आल्सो क्रिएट अ नेचुरल साइन फॉर द हेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट्स साइन कैन बिकम अ परमानेंट फीचर ऑफ योर हेयर. सो गाइस आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है. अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है. तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें से जितने भी अनियन हैं इसको मैं निकाल लूँगी, एक साइड कर लूँगी. और जो ये ऑयल है इसे मैं ग्लास कंटेनर में कंटेन करके रखूँगी. आपको भी ग्लास कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है अगर है तो ज़्यादा अच्छा है ये. और गाइस इस ऑयल को आप 2 or 3 months के लिए यूज कर सकते हैं. Hope you find this oil recipe helpful for you. So girls, if you have any suggestion recipe for me, please kindly drop it below. Bye-bye. Take care.